छतरपुर जिले के हरपालपुर और अलीपुरा इलाके में चोरियां करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 लाख का कीमती सामान जब्त हुआ है। जिले के अलीपुरा और हरपालपुर थाना क्षेत्र में आरोपियों के द्वारा रेकी कर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आरोपी राम सजीवन राजपूत, जो परेथा थाना हरपालपुर का निवासी है, उसके द्वारा रेकी की जाती थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के उसके 2 साथियों के साथ मिलकर तीनों चोरी की घटना को अंजाम देकर सोने घरों से सोने चांदी के जेवरात से नगदी पार कर देते थे। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर एसपी छतरपुर ने एसडीओपी नौगांव के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिसके बाद अलीपुरा थाना प्रभारी और हरपालपुर थाना प्रभारी ने पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर यूपी के आरोपी अंशु राजपूत, यशवंत राजपूत व परेथा हरपालपुर निवासी राम सजीवन राजपूत को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो आरोपियों के द्वारा की गई कई चोरियों का खुलासा हो गया। वही चोरी के जेवरात राज निवासी सुदामा सोनी नाम की महिला को बेचे गए थे, जिससे पुलिस ने महिला को भी आरोपी बनाया है और उसे गिरफ्तार कर उससे माल बरामद किया है। छतरपुर एएसपी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी के पैसे से आरोपी अंशु राजपूत ने एक स्कॉर्पियो भी खरीदी थी, जिसे भी जब्त किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के राज मसगुआ के निवासी अंशु उर्फ आशीष राजपूत के खिलाफ कई गंभीर मामले यूपी के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। हरपालपुर निवासी आरोपी राम सजीवन राजपूत के खिलाफ भी हरपालपुर थाना अन्य थानों में 9 मामले दर्ज हैं। ये आपके संज्ञान में है कि कुछ दिनों पूर्व लगातार चोरी घटनाएं अलीपुरा और हरपालपुर क्षेत्र में हो रहे थे। एसपी सर ने इसमें एक टीम बनाई और उस टीम का इंचार्ज बनाया हमारे एसडीओपी नौगांव चंचलेश मरकाम साहब को, और इनके साथ में दोनों थाना प्रभारी और कुछ स्टाफ को लगाया गया। और लगातार ये लोग मेहनत करते रहे, कड़ी मशक्कत करते रहे, हमारे असूचना तंत्र को भी इन्होंने एक्टिवेट किया और इसी में हमें सफलता मिली है। हमने 5 जो अपराध थे, 5 नकदजनी के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंस के हैं, जिसमें 3 अलीपुरा के हैं और 2 हरपालपुर के हैं, जिसमें इनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें हमने 3 आरोपी को राउंड अप कर लिया है। एक अभी फरार है और जो 3 आरोपी हैं ये आपके नॉलेज में आना इम्पोर्टेंट है कि एक तरह से इंटरस्टेट गैंग है, इंटरस्टेट ये लोग ऑपरेट कर रहे थे इसको धीरे सेट सेट। इसमें जो मेन आरोपी है अंशुर्फ आशीष राजपूत, ये राठ का रहने वाला है और इसके लगभग 20 से अधिक अपराध हमीरपुर और महोबा क्षेत्र में, अलग अलग थाना क्षेत्र में, चाहे पनवाड़ी, मजगवां, राठ, महोबा, और जो अपराध भी हैं सभी हीनियस ऑफेंस हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंस के हैं, जिसमें लूट है, 307 का प्रकरण है, गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, नकबजनी, चोरी, 307, सभी तरह के इसके अपराध हैं। दूसरा जो एक आरोपी है वो भी महोबा का रहने वाला है, यशवंत राजपूत, जिसका वहाँ के कोतवाली में अपराध दर्ज है। और तीसरा आरोपी जो है वो हरपालपुर क्षेत्र का रहने वाला ग्राम परेठा का राम सजीवन राजपूत, जिसका रेकी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था कि कहाँ पे घटना वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, कौन लोग बाहर हैं और कहाँ से एंट्री हो सकती है। इसके भी हमने निकाले, लगभग इसके 9 से 10 अपराध, 10 से अधिक अपराध निकले हैं। ये अपराध नौगांव हरपालपुर क्षेत्र में हैं और सभी प्रॉपर्टी ऑफेंस के हैं। तो टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अच्छी सफलता प्राप्त करी है और करीब 10 लाख का हमने मसूका इसमें जब्त किया है। और इनकी जानकारी, हमारी जानकारी में ये भी आया कि इनके द्वारा जो यहाँ से चोरी की गई थी, नकबजनियाँ की गई थी, उस पैसे से इनके द्वारा एक स्कॉर्पियो वाहन खरीदा गया, वो भी हमने जब्त किया है, और साथ में जो ज्वेलरी थी, गोल्ड सिल्वर कलर आइटम थे, वो भी हमने जब्त किया है। और इन सभी को हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और एसपी सर ने सभी को इसमें कैश रिवार्ड के लिए बोला है, तो सभी को इसमें कैश रिवार्ड दिया जाएगा। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।